लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उड़ीसा को जोड़ने वाला मार्ग बाधित हो गया है। कोंडागांव से बड़ी खबर, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता ज्योति कुमार जुड़ गए हैं। ज्योति, क्या जानकारी है, कैसे बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हैं यहाँ पर? जी अंशिका, ये कल दोपहर से जो बारिश चालू हुई है और लगातार यहाँ पर बारिश चालू हुई, जिसकी वजह से नदी नाले सभी उफान पर हैं और जल स्तर इतना बढ़ गया है कि कई रास्ते जो हैं जिनसे संपर्क गांवों का संपर्क टूट गया है और उड़ीसा जो हमारा सीमावर्ती राज्य है वहां पहुंचने के लिए भी जिन नदियों का उपयोग किया जाता है उस पे बाढ़ आ चुके हैं और आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर ठप हो चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा PWD और पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है और उनको राहत पहुंचाया जा रहा है। जी जी अब संपर्क टूट गया है क्योंकि जिला मुख्यालय से कई गांव का, तो किस तरह से उसको जोड़ा जाएगा फिर से, किस तरह से जो चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं उनको ठीक किया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, जिला प्रशासन सतत निगरानी में है और कहीं ना कहीं गांवों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जल स्तर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जाएगी और लोगों को राहत दी जाएगी। जी जी चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।